पता है हम लोग किसी भी एक रास्ते पर ज्यादा समय तक टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हम कॉन्स्टेंट क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हम बहुत जल्द बोर हो जाते हैं, सफर में जल्दी हार मान लेते हैं, और इन सब की वजह है कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मोटिवेशन जिंदगी भर तो नहीं रहती, लेकिन जिंदगी में रहनी जरूर चाहिए, क्योंकि इससे आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और कभी भी हार नहीं मानोगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली मोटिवेटेड रहने के 5 शानदार टिप्स देने वाला हूं, जिससे आपका हर एक दिन हाई पावर मोटिवेशन के साथ गुजरेगा और आप अपना हर दिन बिना किसी गिल्ट के जी पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। टिप नंबर 1, अवॉइड लेट नाइट बग्स एंड वेक अप अर्ली। दोस्तों, दिन की शुरुआत सुबह से होती है और सुबह की शुरुआत पिछली रात के खत्म होने से होती है। आपको ज्यादा लेट नाइट तक नहीं जागना है और ना ही किसी फिल्म या वेब सीरीज के पीछे सारी रात बर्बाद करके सुबह देर से उठना है। इंसान के डिमोटिवेट होने की शुरुआत ही यहीं से होती है कि वो अपने दिन की शुरुआती ढंग से नहीं कर पाता। अब रात को 3 बजे सोकर तो पूरी एनर्जी के साथ सुबह 6 बजे उठ पाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर रात जल्दी सो जाओ और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद के साथ अगली सुबह जल्दी उठो। आप जितना जल्दी सुबह उठ जाएंगे, आप उतना ही फ्रेश फील कर पाएंगे और उस समय की ताजगी आपको रात के आखिरी समय तक सपोर्ट करेगी। इसलिए दिन की शुरुआत सुबह के 5-6 बजे से करो। टिप नंबर 2, सेट स्मॉल गोल्स टू बिल्ड मोमेंटम। पता है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी इंसान के गिल्ट और तकलीफ का, कि वो दिन की शुरुआत में ही बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेता है, जितना करने की उसकी हालत भी नहीं होती। यहीं पर बड़ी गलती हो जाती है। आपको गोल्स सेट जरूर करने हैं, लेकिन छोटे गोल्स बनाने हैं जिन्हें आप एक्चुअल में पूरा कर सको। एक दिन में फिजिक्स के 6 लेसन खत्म करने का गोल मत बनाओ, बल्कि एक दिन में फिजिक्स के 1 लेसन के 6 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और मेमोराइज करने का गोल बनाओ। जो इंसान 2 किलोमीटर भी एक दिन में नहीं दौड़ सकता, वो सीधा 10 किलोमीटर का लक्ष्य सेट करेगा तो कल से वो चल भी नहीं पाएगा। इसलिए एक मोमेंटम और सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, खुद के संतुष्टि के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे गोल्स तैयार करते हैं तो आपको कामयाबी मिलने में ज्यादा समय लगेगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका हर दिन मोटिवेटेड गुजरने लगेगा, आप अपने आप खुद को गियर अप करना चालू कर दोगे और इससे आप हर दिन बेटर होते जाओगे और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अपने माहौल के दूसरे लोगों से आगे निकल जाओगे। छोटे छोटे गोल्स बनाने का एक फायदा ये भी है कि इसे आप जल्दी जल्दी अचीव करते हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है दोबारा काम करने का। इसलिए अगर कल से अपना सफर शुरू करते हो तो मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए छोटे लक्ष्य के साथ शुरुआत करें। टिप नंबर 3, एंजॉय योर विंस। जब आप उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर लें, जैसे अगर आपने आज का दिन खत्म होने तक फिजिक्स के 6 कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया, या अगर आज आपने फोन और ज्यादा टाइम पास करने वाली एडिक्शन को अवॉइड किया, तो ये अल्टीमेटली आपके आज के दिन का सक्सेस है। तो यहाँ पर आपको इसे सेलिब्रेट करना है। लेकिन सेलिब्रेट कैसे करोगे? खुद को रिवॉर्ड देकर। हाँ दोस्तों, आप अपने इस शॉर्ट टर्म गोल को हासिल करने के बाद खुद को कोई इनाम दे सकते हो, जैसे अपना कोई फेवरेट शो देखना, या खुद को पार्टी देना, या फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद लेना। इससे आपको बार बार काम करने में मजा भी आएगा और हर बार मोटिवेशन बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। टिप नंबर 4, ज्वाइन द कॉम्पिटिशन बाय सेल्फ। खुद से कॉम्पिटिशन ज्वाइन करो। एक कॉम्पिटेटिव नेचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंसान खाली नहीं बैठता, आराम नहीं करता और मेहनत करना सीखता है और नए इन्वेंशंस को करना शुरू कर देता है। दूसरों के काम और उनके बेहतर रिजल्ट्स पर जरूर गौर करो और उनसे बेहतर हासिल करने की कोशिश करो। आज क्लास में तुम 10th रैंक पर आते हो, लेकिन वही अगर तुम धीरे धीरे 9th पर आ जाते हो, फिर 8th पर, और इसी तरह तुम ज्यादा अच्छे रैंक्स को अचीव करने का सोचते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहने लगोगे। क्योंकि हम डिमोटिवेट भी तभी होते हैं जब हमारा कोई गोल अचीव होता दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तुम कॉम्पिटिशन में कूदोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की ज्वाला जगेगी, जिससे तुम और ज्यादा मेहनत करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉम्पिटिशन को बीट करने का जुनून सवार होगा। और जहाँ दूसरे लोग ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, वहाँ तुम अपने आप काम करने लगोगे, और सच बात बताऊं, उस वक्त तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 5, ज्वाइन द सर्कल ऑफ हार्ड वर्किंग गाइस। उन लोगों के बीच उठना बैठना शुरू कर दो जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, जो ज्यादा विजनियर हो, जिन्हें फ्यूचर की ज्यादा परवाह हो और प्रेजेंट की वैल्यू पता हो। ऐसे सर्कल को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर सोसाइटी या ऑफिस में ऐसा एक ग्रुप तो होता है जिनसे अगर आप जुड़ते हो तो आप भी उसी तरह की सोच अपनाने लगते हो, और उनके उस वाइब से कनेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जब कभी आपका मूड थोड़ा डाउन भी होता है तो इसी सर्कल की बदौलत वो भी सही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य वातावरण का आदि है। जैसे वातावरण में जीता है, तन मन से उसी को अपना लेता है। इसलिए मेहनती लोगों और ज्यादा प्रोडक्टिव लोगों के बीच रहना शुरू कर दो, ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और यूनिक ट्रिक्स के बारे में बताया है, जिसको अगर आप अपने डेली जिंदगी में उतार लो तो आपका हर दिन मोटिवेटेड गुजरने वाला है, जिससे बहुत जल्द आप खुद को अपने मंजिल के करीब पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।